पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने एक बार फिर गुप्त तरीके से शादी कर ली है। इमरान की नई बेगम एक आध्यात्मिक गुरु बताई जा रही है, जिनके पास वे आध्यात्म सीखने के लिए जाया करते थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान ने 1 जनवरी की रात लाहौर में शादी की। पार्टी के एक नेता ने ही उनका निकाह पढ़वाया। शादी करने के बाद अगले दिन वे सीधे इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत में हाजिर हुए, जहां उन्हें 2014 के एक मामले में जमानत मिल गई। निकाह पढ़वाने वाले मुफ्ती सईद पार्टी की कोर कमेटी के नेता हैं। 2 साल पहले इमरान ने जब रेहम खान से शादी रचाई थी, तब भी मुफ्ती ने ही निकाह पढ़वाया था। हालांकि मुफ्ती से इस बारे में मीडिया में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। पार्टी सचिव आन चौधरी और पार्टी के प्रवक्ता नईमुल हक ने भी पार्टी प्रमुख की शादी की बात से इनकार किया। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि आन चौधरी भले ही इनकार करे, लेकिन वह शादी में शामिल हुए थे। आन ने कहा कि वह उस दिन इमरान के साथ लाहौर गए थे। इमरान के रेहम के साथ शादी के वक्त भी आन चौधरी मौजूद थे। नईमुल हक ने कहा कि वह 35 वर्षों से इमरान के निजी मामलों के साक्षी रहे हैं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर इमरान शादी करते भी हैं तो वह 2018 के आम चुनाव के बाद करेंगे। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।